हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला एपिसोड आ गया है एंड इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इस वीडियो में मैंने इसी फर्स्ट वीडियो का पूरा ब्रेकडाउन किया है और मैंने सभी इंपॉर्टेंट सीन्स को अच्छे से समझाया है। बट मैं यही पे बता दूं कि मैंने आगे के आने वाले एपिसोड्स का कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है, तो आप बिंदास ये वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट फर्दर एडो चलो जानते हैं फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 एसी से। इस समय ओल्ड किंग जहरिस राजा होता है जो पिछले ऑलमोस्ट 60 सालों से आयरन थ्रोन पे बैठ के राज करता होता है। जहरिस ने ग्रेट काउंसिल की मीटिंग रखी थी ताकि अगला राजा वो डिसाइड कर सके। इस मीटिंग का लोकेशन वेस्टेरोस का सबसे बड़ा कैसल हेरेनहेल रहा था और ये मैसिव दरबार काफी क्रेजी लगा। यहां हम कुछ ऐसे टूटे हुए बड़े बड़े पिलर्स और दीवारें देख ही सकते हैं जो लेजेंडरी बर्निंग ऑफ हेरेनहेल के कारण हुआ है। अब लेजेंडरी बर्निंग ऑफ हेरेनहेल कब और क्यों किया गया था ये जानना है तो आपको मेरे टारगेरियन हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर देखना होगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस ग्रेट काउंसिल के मीटिंग में नया राजा चुनने की 13 दिनों तक वोटिंग होती है और वेस्टेरोस के सभी बड़े छोटे लॉर्ड्स इसमें वोटिंग करते हैं और फाइनली इस वोटिंग का डिसीजन जहरिस के सामने आता है। इस राजा बनने के कंपटीशन में रेनिस वेलेरियन और विसेरिस टारगेरियन एकदम हेड टू हेड आमने सामने होते हैं। सो एक्चुअली ये विसेरिस और रेनिस ओल्ड किंग जहरिस के ही ग्रैंड किड्स है। रेनिस एक्चुअली जहरिस के बड़े बेटे एमोन की बेटी है और विसेरिस जहरिस के दूसरे बेटे बेलॉन का बेटा है। जहरिस के वो दोनों बेटे मर जाते हैं, इसीलिए उसे अपने ग्रैंड किड्स में से किसी को राजा चुनना पड़ता है। अब हमेशा राजा ही नया एयर टू द थ्रोन डायरेक्टली सिलेक्ट करता है, बट जहरिस को अपने ही दोनों ग्रैंड किड्स में से किसी एक को नहीं चुनना था, इसीलिए वो सोचता है कि वेस्टेरोस के सभी बड़े छोटे लॉर्ड्स की एक वोटिंग रख के नया राजा डिसाइड किया जाएगा और ये करने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से एक नया बेहतर राजा बनेगा जो सभी के सम्मति से हुआ रहेगा, यानी कि मेजॉरिटी वोट से हुआ रहेगा। इवेंचुअली इस ग्रेट काउंसिल में सब लॉर्ड्स विसेरिस को राजा चुनते हैं और रेनिस को ठुकरा देते हैं। सो रेनिस बस कहने के लिए एक जमाने की क्वीन रह जाती है और उसे एक्चुअली आयरन थ्रोन का तख्त मिलता ही नहीं है, इसीलिए उसे सब क्वीन दैट नेवर वॉज करके बुलाने लगते हैं। इस ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 एसी के बाद में हमें एक टाइम जंप देखने मिलती है। किंग विसेरिस के राज को अभी 9 साल हो गए हैं और ये शो डेनेरिस टारगेरियन के जन्म के 172 इयर्स पहले बसा है। तो वेस्टेरोसी कैलेंडर के अनुसार डैनी का जन्म 282 एसी में हुआ था, मतलब ये पहला एपिसोड बसा है 110 एसी में, एग्जैक्टली 172 इयर्स बिफोर। यहां हम इंट्रोड्यूस होते हैं रेनिरा टारगेरियन से, जो विसेरिस की बेटी है और वो अपने शी ड्रैगन सिरैक्स पे बैठ के मस्त उड़ती रहती है। रेनिरा के इस राइड में हमें किंग्स लैंडिंग पूरा अच्छी तरीके से देखने मिलता है और इवेंचुअली रेनिरा मैसिव ड्रैगन पिट के सामने अपने शी ड्रैगन सिरैक्स को उतारती है। यहाँ पर ये दो लोग सिरैक्स को कुछ कमांड्स देने लगते हैं। तो आखिर ये कौन है? तो इन्हें एक्चुअली ड्रैगन कीपर्स कहा जाता है। ड्रैगन पिट के कंस्ट्रक्शन के बाद में उसमें ड्रैगन्स को बराबर से संभालने के लिए 77 जाबाज ड्रैगन कीपर्स को रखा जाता है, जो एक्चुअली वलेरियन लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि ड्रैगन सिर्फ ओल्ड वलेरिया की भाषा ही समझते हैं। यही पे हम लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड सर हैरोल्ड वेस्टरलिंग को मिलते हैं, जो फनी अंदाज में बोलते हैं कि राइनिरा तुम ड्रैगन रोड से सही सलामत आ गई, यही बहुत हो गया, अब मैं रिलीव्ड महसूस कर रहा हूं, मतलब अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम अच्छे से आ गई हो। ऐसे ही फिर कुछ और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले छोटे मोटे सीन्स होते हैं। पहले हम रेनिरा के दोस्त एलिसेंट हाईटावर से मिलते हैं, उनकी कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट गॉसिप होती है और वो दोनों रेड कीप में आते हैं। रेड कीप में रेनिरा अपने माँ एम्मा एरिन से मिलती है। उनके छोटे से क्यूट कॉन्वर्सेशन में राइनिरा अपने माँ को बोलती है कि उसे सिरैक्स पे बैठ के कभी तो बैटल में जाना है, बट एम्मा कहती है कि हम औरतों के लिए चाइल्ड बर्थ ही एक बैटल फील्ड है। ये इस एपिसोड का पहला तगड़ा डायलॉग रहा और ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एम्मा चाइल्ड बर्थ को ही बैटल फील्ड कहती है क्योंकि रेनिरा को जन्म देने के बाद में अगले 4 बार एम्मा प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो विसेरिस को बेटा नहीं दे पाती, उसकी सभी प्रेगनेंसीज बहुत ही डिफिकल्ट हुई रहती है। देन फाइनली हम आते हैं शो
के फर्स्ट एवर स्मॉल काउंसिल मीटिंग में है। यहाँ पे राजा विसेरिस मस्त हंसी मजाक करता होता है, बट मास्टर ऑफ शिप्स यानी कि आयरन थ्रोन के एडमिरल लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन बहुत सीरियस बैठे हुए होते हैं। कॉर्लिस राजा को बताते हैं कि ट्रायर्की ने स्टेपस्टोन्स के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और वहां पे ये ट्रायर्की वाले कुछ पायरेट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। तो किंग विसेरिस बोलता है पायरेट्स जैसे चोर लुचक्को को मारा जा रहा है तो वो अच्छी ही बात है, मरने दो उन पायरेट्स को। बट कॉर्लिस उन्हें कहता है कि ट्रायर्की का एडमिरल कोई क्रेगास ड्राहार नाम का बहुत ही डेडली इंसान है और उसे सब क्रैप फीडर कहते हैं। ये क्रेगास ड्राहार ट्रायर्की के लिए स्टेपस्टोन्स के आइलैंड जीतेगा तो वो चीज आयरन थ्रोन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। तो गाइस ट्रायर्की यानी लीस, मीर और टायरोश इन तीन शहरों की एक भागीदारी होती है और ये तीनों सिटीज मिलके स्टेपस्टोन्स के आइलैंड को जीतना चाहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्लिस यहां पे बताते हैं कि अगर ट्रायर्की सभी स्टेपस्टोन्स के आइलैंड को जीतेंगे तो फिर उस इलाके में से शिप्स का आना बंद हो जाएगा। दूर वोलांटिस और कार्थ जैसे शहरों में से आने वाले जहाज इसी रास्ते से होके किंग्स लैंडिंग में आते हैं, बट अगर यहां पे ट्रायर्की वालों ने अपना बोलबाला बिठाया तो वो इस शिपिंग लेन को रोक देंगे और इसके वजह से किंग्स लैंडिंग में आने वाला बिजनेस बंद हो सकता है और ये बहुत ही गलत चीज हो सकती है। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात होती है, बट यही पे हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर आते हैं और थोड़ा सा हीरो बनते हैं। वो कॉर्लिस वेलेरियन को सीधा मुंह पे बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्लिस आपका रिपोर्ट हमने सुन लिया है तो अभी शांत बैठो। इतने में वहां पे रेनीरा आती है जिसे किंग विसेरिस का कप बेरर बनाया है। यही पर मास्टर ऑफ कॉइन यानी कि राजा का फाइनेंस मिनिस्टर लाइमन बीसबरी होता है। वो बोलता है कि डेमोन को उसने बहुत सारा ढेर सारा पैसा दिया है ताकि डेमोन उसे सिटी वॉच को डेवलप करने में लगा सके, बट डेमोन यहाँ पे काउंसिल मीटिंग में आता नहीं तो उसे गुस्सा आता है और वो राजा को पूछता है कि डेमोन अपने मीटिंग्स में क्यों नहीं आता है। वैसे ही मीटिंग में ग्रैंड मेस्टर मेलोस भी होते हैं और मास्टर ऑफ लॉज लाइनोल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। विसेरिस यहाँ पे मीटिंग में सबकी इंपॉर्टेंट बातें सुनता है बट वो कुछ और ही बात करता होता है। उसे किंग्स लैंडिंग में एक एयर्स टूर्नामेंट का आयोजन करना होता है जो कि बहुत ही स्टूपिड प्लान है। आई मीन विसेरिस का एयर अब तक पैदा भी नहीं हुआ है और वो अभी से एयर्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लेता है। विसेरिस को यकीन होता है कि प्रेग्नेंट एमा को बेटा ही होगा जो उसका एयर टू द थ्रोन बनेगा, बट एक्चुअली विसेरिस को अब तक कोई भी बेटा नहीं हुआ था। इसी में फाइनली डेमोन टारगेरियन की एंट्री एकदम स्वैग में होती है और वो पगला आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ होता है। वो अपने बड़े भाई के बेटी यानी कि अपने भतीजे राइनीरा के लिए एक गिफ्ट लाता है। ये कोई वेलेरियन स्टील वाला नेकलेस होता है। यहां हमें पता चलता है कि डेमोन और राइनीरा में अच्छी दोस्ती है, बट डेमोन असल में कौन है और कितना पगला है यह हमें गोल्ड क्लोक्स वाले क्रेजी सीन में पता चलता है। तो डेमोन टारगेरियन एक्चुअली लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच होता है, उसके वजह से किंग्स लैंडिंग के सिटी वॉच को इज्जत मिली होती है और एक तरह का फ्रीडम मिला हुआ होता है। ये गोल्ड क्लोक्स यानी कि किंग्स लैंडिंग की पुलिस फोर्स होती है और डेमोन मतलब इस पुलिस फोर्स का कमिश्नर। डेमोन एक रात को सभी सिटी वॉच वालों को किंग्स लैंडिंग के चोर लफंगों को पकड़ने के लिए कहता है, बट पकड़ना छोड़ो, ये पगले सिटी वॉच के सोल्जर्स किंग्स लैंडिंग के क्राइम करने वाले इलाकों में सीधा घुसते हैं और एक भयानक हमला कर देते हैं। ये गोल्ड क्लोक्स वाले सोल्जर्स बिंदास सभी चोरों के हाथ काट देते हैं और मर्डरर्स को तो सीधा बिहेड किया जाता है। और रेपिस्ट के साथ ये गोल्ड क्लोक्स क्या करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक जरूरी नहीं है, बट एनीवेज डेमोन के गोल्ड क्लोक्स अगर ऐसे ही पुलिस, जज और एग्जीक्यूशनर बनते रहे, सबको ऐसे ही मारते रहे तो नाइट्स वॉच में किसको भेजेंगे। इसी टॉपिक को लेके हमें सेकंड स्मॉल काउंसिल मीटिंग देखने मिलती है। हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो हाईटावर
अपने राजा विसेरिस को बोलते हैं कि डेमोन ने रात में बहुत हंगामा किया है और उसने ये सब बहुत गलत किया है। ऑटो विसेरिस को बोलता है कि डेमोन ऐसे एग्जीक्यूट सबको नहीं कर सकता, ये टोटली रॉन्ग है। ऐसे ही एक एक करके इस मीटिंग में डेमोन के खिलाफ सब हो जाते हैं, बट डेमोन इस मीटिंग में मौजूद होता है और वो सीधा बोल देता है कि एयर्स टूर्नामेंट के लिए वेस्टेरोस में कई सारे बड़े छोटे लॉर्ड्स आएंगे, तो किंग्स लैंडिंग में सेफ रखने के लिए मुझे वैसी डिफिकल्ट एक्शन लेनी पड़ी थी। डेमोन बोलता है, Our city should be safe for all its people. I agree. इसमें डेमोन को विसेरिस का भी सपोर्ट होता है और खास करके डेमोन को लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन भी सपोर्ट करते हैं और वो भी कहते हैं कि सिटी वॉच का खौफ पूरे शहर में होना चाहिए। वो कहते हैं क्रिमिनल्स हमेशा पुलिस से डरनी चाहिए। आगे इस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में हमें पता चलता है कि डेमोन टारगेरियन की भी एक्चुअली किसी लेडी रिया रॉयस से शादी हुई रहती है और डेमोन इस रिया रॉयस को अपने ही बीवी को नफरत करता होता है। वो अपने ही बीवी को ब्रॉन्ज बी वर्ड बोलता है और रात में किंग्स लैंडिंग के ब्रॉथल्स में दूसरे औरतों के साथ मजे करता होता है। ये है डेमोन की गर्लफ्रेंड मिसारिया, जिसके साथ वो हर रात संबंध बनाता है। देन कुछ ही दिनों में एयर्स टूर्नामेंट रखी जाती है जो जाउस्टिंग की टूर्नामेंट होती है और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। यहां थोड़े बहुत एक्शन पैक्ड सीन्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहां पर डैशिंग सर क्रिस्टन कॉल से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक्चुअली डेमोन टारगेरियन को फाइट में हराता भी है। सर क्रिस्टन कॉल किसी छोटे से हाउस कॉल का वॉरियर है, बट वो बहुत ही जबरदस्त तगड़ा नाइट होता है। डॉर्निश मार्चेस में बसा हुआ छोटा सा हाउस कॉल एक्चुअली हाउस डोंडेरियन के बैनरमैन है। अभी हाउस डोंडेरियन यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के बेरिक डोंडेरियन का हाउस, रिमेंबर हिम? ये जब टूर्नामेंट चलती होती है तभी दूसरे तरफ क्वीन एम्मा एरिन की प्रेगनेंसी भी शुरू होती है। एंड फ्रेंड्स, आई हैव टू से कि ये प्रेगनेंसी वाला जो सीन था वो इस एपिसोड का सबसे भयानक सीन रहा और पर्सनली मुझे तो ये सालों तक याद रहेगा। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के कई सारे बुक्स में हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि क्वींस प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है। वेस्टेरोस में औरतें प्रेगनेंसी वाले प्रॉब्लम्स किस तरीके से फेस करती है, वो कैसे और क्यों मरती है, वो सब कुछ इस सीन में जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा था। अपने रियल लाइफ में भी 200 सालों पहले चाइल्ड बर्थ औरतों के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता होगा, यही इसमें से पता चलता है। अब इस प्रेगनेंसी के ग्राफिकली भयानक और सैड सीन में क्या होता है वो मैं ना बोलू तो ही बेहतर है। बस इतना ही कहूंगा कि किंग विसेरिस की बीवी क्वीन एमा एरिन एक बेटे को जन्म देती है, बट वो बेचारी मर जाती है और कुछ ही टाइम में उनका बेटा भी मरता है। एपिसोड के शुरुआत में क्वीन एम्मा रैनीरा को बोलती है कि हम औरतों के लिए चाइल्ड बर्थ मतलब एक बैटलफील्ड होता है और ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही साबित होती है। किंग विसेरिस की पत्नी क्वीन एम्मा एरिन मरने का भी एक अलग ही कोइंसिडेंस है। सो एक्चुअली विसेरिस ने अपने बेटे को बेलॉन नाम दिया था और ये बेलॉन कुछ ही टाइम में मर जाता है, बट ये नाम बेलॉन विसेरिस ने अपने पापा बेलॉन के नाम पे दिया था और विसेरिस के पापा बेलॉन की पत्नी यानी कि उसकी खुद की माँ एलिसा भी प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाती है। सो सालों पहले एलिसा के मरते समय बेलॉन ने एक बहुत ही प्यारी बात एलिसा को कही थी, एलिसा सब मुझे बेलॉन द ब्रेव बुलाते हैं बट यू आर फार ब्रेवर देन मी, मैं हजारों बैटल में जाके लड़ने के लिए रेडी हूं बट तुमने जो प्रेगनेंसी के दौरान फेस किया है वो किसी भी बैटल से ज्यादा डिफिकल्ट है। सो बेलॉन की बीवी एलिसा डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में मर जाती है और फिर बेलॉन के बेटे विसेरिस की बीवी भी चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती है। तो ये बेलॉन और उसके बड़े बेटे विसेरिस का एक अजीब सा सर्कल यहां पे कंप्लीट होता है। इस एपिसोड की तीसरी स्मॉल काउंसिल मीटिंग देखने मिलती है
और यहाँ पे हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाइटावर शेमलेसली अपने राजा को पूछता है कि सक्सेशन का मैटर अभी अर्जेंट है, राजा की बीवी मरी है उसका उसे कुछ नहीं, बट उसे अभी लाइन ऑफ सक्सेशन का ही टॉपिक निकालना है। सर ऑटो सीधा अपने राजा को पूछता है कि अगला राजा कौन होगा ये आप अभी डिसाइड करो। इस डिस्कशन में लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन तो सीधा बोलते हैं कि डेमोन ही विसेरिस का एयर टू द थ्रोन बनेगा, बट सर ऑटो को लगता है कि डेमोन एकदम सनकी बंदा है। सर ऑटो इस मीटिंग में बोलते हैं कि 2000 सिटी वॉच के सोल्जर्स आज डेमोन की बात सुनते हैं और हमने देखा कि उन्होंने कैसा हंगामा कर दिया, बट अगर पूरे वेस्टेरोस की आर्मी डेमोन को मिल जाएगी तो वो पगला क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। फिर यही पे राजा विसेरिस ऑटो को सुना देते हैं। तो एक्चुअली विसेरिस राजा बनने के बाद में पहले वो डेमोन को मास्टर ऑफ लॉज बनाते हैं, बट ऑटो के कहने पर उसे निकाला जाता है। फिर विसेरिस डेमोन को मास्टर ऑफ कॉइन बनाता है, तो ऑटो बोलता है कि डेमोन पागलों के तरह पैसा उड़ा रहा है इसीलिए उसको वहां से भी निकाला जाता है। फाइनली ऑटो के कहने पर डेमोन को लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया जाता है और अभी वापस ऑटो को उससे भी प्रॉब्लम है, इसलिए विसेरिस गुस्से में ऑटो को बोलता है कि डेमोन उसके काउंसिल में हमेशा रहेगा क्योंकि वो उसका भाई है। इसके बाद भी ऑटो कहता है कि डेमोन मतलब एक मेगोर के तरह भयानक राजा हो सकता है और काउंसिल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता। इस मीटिंग के बाद में सर ऑटो हाइटावर अपने बेटी एलिसेंट से मिलते हैं और वो उसे राजा विसेरिस के पास भेजते हैं ताकि एलिसेंट किंग विसेरिस को थोड़ा सा सहारा दे सके। फिर हम देखते हैं कि डेमोन वापस ब्रॉथेल में जाता है और उसके भाई विसेरिस की पत्नी और बेटा मरने का जश्न मनाता है क्योंकि अब विसेरिस के बाद में वही राजा बनेगा ऐसा उसे लगता है। डेमोन को लगता है कि वही अभी एयर टू द थ्रोन है, बट सर ऑटो को अपने सोर्सेस से पता चलता है कि कैसे डेमोन ने पार्टी मनाई है और वो ये बात किंग विसेरिस को जाके बताते हैं और विसेरिस इसके बारे में पूछने के लिए डेमोन को दरबार में बुलाते हैं। विसेरिस यहाँ पर डेमोन पर चिल्लाता है क्योंकि डेमोन आयरन थ्रोन का भूखा है। विसेरिस कहता है कि मेरी पत्नी मर गई है तो मुझे तुम्हारी जरूरत थी, बट तुम मुझे सपोर्ट करने के अलावा प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में मजे करने गए, तुम पार्टी कर रहे थे, 10 सालों में मैंने तुम्हारी इतनी साइड ली थी जबकि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, मैंने जो भी किया जो भी दिया वो तुमने मेरे मुंह पे ही फेंक के मारा है। तो डेमोन भी उस पे चिल्ला के बोलता है कि 10 साल में तुमने मुझे क्या दिया है, मेरी शादी तुमने वेल में कराई और तुमने मुझे वेल में भेज दिया, तुमने मुझे सिटी वॉच का कमांडर बनाया जबकि तुम्हें मुझे हैंड बनाना चाहिए था, मैं अगर तुम्हारा हैंड होता तो मैं तुम्हें ऑटो हाइटावर जैसे कुत्तों से बचा सकता था। और ऐसा कहने के बाद में डेमोन सीधा विसेरिस को वीक बोलता है। You weak, विसेरिस। बस यही पे विसेरिस गुस्सा होता है और वो डेमोन को सीधा वेल में जाने के लिए कहता है। फिर डेमोन और कैराक्सिस हमें देखने मिलते हैं और डेमोन अपने गर्लफ्रेंड मिसारिया के साथ में कैराक्सिस पे बैठ के कहीं तो निकल जाता है, बट दूसरे तरफ विसेरिस अपने बेटी राइनीरा को एयर टू द थ्रोन डिक्लेयर करता है, मतलब राइनीरा अभी फ्यूचर क्वीन होगी और आयरन थ्रोन के तख्त पे 100 सालों में पहली बार एक औरत बैठेगी। राइनीरा के सामने सभी वेस्टरोसी लॉर्ड्स एक एक करके बेंड द नी करते हैं, बट देन इस एपिसोड का सबसे बड़ा बॉम्बशेल आता है। ये एक ऐसी चीज है जो बुक्स में अब तक कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं की गई थी, एंड दैट इज एगॉन द कॉन्करर का ड्रीम, एगॉन का सपना। सो सालों पहले एगॉन द कॉन्करर ने वेस्टेरोस को अपने ड्रैगन्स के बलबूते पे जीत लिया था और वो वेस्टेरोस का आयरन थ्रोन पे बैठने वाला राजा बनता है। अब एगॉन ने एग्जैक्टली वैसा क्यों किया था इसका पुख्ता रीजन बुक्स में बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस ऐसे हिंट्स पता चलते हैं कि वेस्टेरोस उस समय में बहुत बिखरा हुआ था और एगॉन को लगता है कि वो इस पे राज कर सकता है, इसीलिए वो वेस्टेरोस पे हमला करता है और वेस्टेरोस का राजा बन के आयरन थ्रोन पे बैठ जाता है। बट इस एपिसोड के आखिरी ऑल इंपॉर्टेंट सीन में बताया गया है कि एगॉन द कॉन्करर को व्हाइट वॉकर्स के खतरे के बारे में सपने आते थे
और एगोन इन्हीं सपनों को सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहता है। सो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर यानी कि कोई एगोन का ड्रीम होता है जिसमें वो आने वाले लॉन्ग विंटर को देखता है। एगोन के मुताबिक आने वाला लॉन्ग विंटर और व्हाइट वॉकर्स वगैरह को हराना है तो आयरन थ्रोन पे टारगेरियंस का होना बहुत जरूरी है। ये बताने के बाद में विसेरिस अपना हाथ एक खंजर पे रखता है एंड दैट इज द वैलेरियन स्टील कैट्सपॉ डैगर जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में कई बार देखा था, और ये वही कैट्सपॉ डैगर है जिसे आगे चल के आर्या स्टार्क नाइट्स किंग को मारती है। तो विसेरिस अपने बेटी रैनीरा को ये कहता है। तो दोस्तों पहले इंटरेस्टिंग एपिसोड में हमें इतना ही देखने मिला है। अगर आपको मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर हाउस ऑफ द ड्रैगन और बाकी ढेर सारे कई सारे वीडियोस अपलोड करता ही रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।